दूसरा, टाकरी लिपि हिमाचल प्रदेश में या 13वीं शताब्दी में आसपास आई मानी जाती है और 15वीं शताब्दी में ये अपने पूरे उत्कर्ष पर थी कुल्लू में। इस लिपि का प्रयोग आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल्लू का मध्यकालीन इतिहास सारा ही इस लिपि में लिखा गया है और अभी तक बहुत सा ऐसा इतिहास हमारे यहाँ पड़ा हुआ है इस लिपि में जिसे अभी तक उसका अनुवाद नहीं किया गया है। कुल्लू में भाषा एवं संस्कृति विभाग और आशिया कला मंडल कुल्लू के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय टांकरी लिपि की कार्यशाला चल रही है जिसमें विद्वान विशेषज्ञ लेखक यतिन शर्मा टांकरी लिपि के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें करीब 3 दर्जन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो कि 5 दिनों तक टांकरी लिपि से संबंधित वर्णमाला शब्द ज्ञान के रूप में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में क्या है खास। ऐसे लाना है और थोड़ा सा यहाँ फिर से देख लीजिए। अब ये देखिए वो अंतर लूप का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप ऐसे लिख लीजिए। और भी है तरीके, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूँ टांकरी का यही है, और लिखने के बहुत से तरीके। इस तरह भी होता है, कई प्रकार के हैं, और फिर आपका ये जिस प्रकार का भी होता है ये वही बात है। आपने करना ये होगा अभी जो आपने एक अपने पास चार्ट तैयार करना है टांकरी वर्णमाला, आपने लिखना ये होगा। तरीके तो और भी है, बाद में वेरिएंट में कर लेंगे वो, है ना। तिब्बत में लिखने के लिए ब्रश का, ब्रश स्ट्रोक्स वाले जो होते थे उसका प्रयोग, यहाँ कलम चलती थी तो उतना ज़्यादा नहीं। जो चीज़ मैंने आपको समझाई अभी आपको लग रहा होगा कि इसने बताया अ ऐसे बना संयुक्त अक्षर में, देखिए 5 दिन की कार्यशाला का सहयोग तो भाषा विभाग की तरफ से ही मिला है, उन्हीं की सहमति से हम ये टांकरी की 5 दिवसीय कार्यशाला लगा रहे हैं और साथ में आशिया कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में। टांकरी कार्यशाला लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि इस लुप्त होती लिपि का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और कुल्लू के अलावा भी बाकी जगह के लोग भी इसको सीखें। और हमने प्रयास किया इस बार कि सभी लोगों से संपर्क करें और इधर उधर से लोग आए और हर घाटी के लोग आकर इसे सीखें ताकि हमारी लिपि का संरक्षण हो सके। देखिए टांकरी लिपि की उत्पत्ति लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है जिसमें ये माना जाता है कि अभी तक अवधारणाओं में कि टका प्रांत से टक जनजाति द्वारा टांकरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में अन्य भी कई प्रकार की अवधारणाएं हैं परंतु प्रचलित अवधारणा टक प्रांत वाली है। दूसरा, टांकरी लिपि हिमाचल प्रदेश में या 13वीं शताब्दी में आसपास आई मानी जाती है और ज़्यादातर उस समय से लेकर अभी तक मंदिरों का इतिहास इस लिपि में लिखा गया है, देवताओं के मोहरों पर इस लिपि में अभिलेख अंकित हैं और बहुत सी ऐसी अन्य जगहों पर भी अभिलेख अंकित हैं जहाँ पर देवताओं से संबंधित अन्य भंडार इत्यादि हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि टांकरी में यहाँ का एक तंत्र का एक हिस्सा भी लोगों द्वारा लिखा गया है पुराने समय में। कुल्लू में टांकरी लिपि का प्रचलन तो था ही था, साथ में सिद्धम का भी, सॉरी शारदा का प्रचलन रहा है, शारदा लिपि जो जिससे टांकरी लिपि उत्पन्न हुई। और उसके बाद ज़्यादातर टांकरी लिपि का प्रचलन हिमाचल प्रदेश के बाकी मंडी ज़िले में बहुत ज़्यादा रहा है और कुल्लू में इसके प्रचलन के थोड़े पहले कम थे कारण क्योंकि यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन ज़्यादा चलते थे, परंतु धीरे धीरे मंदिरों से देवताओं से जुड़ने के साथ साथ राजाओं की संधियाँ होने के साथ साथ इसका प्रचलन यहाँ बढ़ता गया और 15वीं शताब्दी में ये अपने पूरे उत्कर्ष पर थी कुल्लू में। इस लिपि का प्रयोग आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल्लू का मध्यकालीन इतिहास सारा ही इस लिपि में लिखा गया है और अभी तक बहुत सा ऐसा इतिहास हमारे यहाँ पड़ा हुआ है इस लिपि में जिसे अभी तक उसका अनुवाद नहीं किया गया है, जिसके अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। और हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से विभाग आगे भी सहयोग करके इस प्रकार की कार्यशालाएं लगाते रहे ताकि अन्य लोग भी इसे सीखें और हमारे यहाँ का इतिहास बाहर निकल कर आए जिसे लोग अनुवाद कर सकें और हम अपने मौलिक इतिहास से उससे हमें हमारा परिचय हो सके।